स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। एमसीडी में अल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 मई को करेगा सुनवाई। मुंबई में शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का किया ऐलान, बोले मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा नेताओं के मनाने पर। एनसीपी नेताओं से बोले अजीत पवार, पवार साहब चाहते हैं कि नई पीढ़ी नेतृत्व करे, उनके मार्गदर्शन में होगा एनसीपी अध्यक्ष पद का चुनाव। नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगवार सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सुए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले असम सीएम, कहा सेक्युलर पार्टी जैसा नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन गोवा में मिली। जम्मू कश्मीर के एनआईए ने पुलवामा में मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर मारी रेड। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा काम। आईपीएल में मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना। गो फर्स्ट एयरलाइंस की सभी फ्लाइट 3 और 4 मई को कैंसिल रहेंगी। फिर मां बनने वाली है सेरेना विलियम्स, मेट गाला में किया खुलासा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।